सो मुबारक हो जिनकी आप सबसे वेट कर रहे हो, वो वीडियो आ चुकी है फाइनली, 3x3 का ट्यूटोरियल। तो आज हम इसी को सीखने वाले हैं। तो सीखने से पहले हम थोड़ा सा स्क्रैम्बल कर लेते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा अटक रहा है। ओके इसके ये सीखने का नहीं, 6 या फिर 9 स्टेप्स होते हैं। आप बिगिनर लेवल हो तो मैं आपको 9 स्टेप्स दिखाऊंगा। ओके तो इसको ज़्यादा स्क्रैम्बल करते हैं। हो गया। तो फर्स्ट हमको क्या बनाना होता है, एक वाइट क्रॉस बनाना होता है ऐसे, और वो क्रॉस जॉइंट होता है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो ये है, इसको साइड में रखते हैं। ये है हमारा येलो क्रॉस है, बड़ा मैंने वाइट सिखाया, बट ये थोड़ा सा, ये जो वाइट कलर है वो थोड़ा सा अजीब है, इसलिए मैंने इसमें येलो लिया है। तो ऐसे ही हमको क्रॉस बनाना है, कलर ही डिफरेंट है। अभी आप देख सकते हो मैंने क्रॉस तो बना लिया, लेकिन क्रॉस बनाने के साथ साथ हमको ये जॉइन करना है। लाइक आप देख सकते हो ये जो क्रॉस है वो इन दोनों सेंटर से ये एज पीच मैच कर रहा है, तो ऐसे सारे एज पीसेस मैच करना है हमको, वैसे ही बनाए। तो लेट्स डू इट, इसको साइड में रखते हैं। ओके सो ना हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको स्क्रैम्बल करेंगे ईमानदारी से यार। उसके बाद सबसे पहले हम सारा क्रॉस कुछ भी करके क्रॉस बनाएंगे। तो फर्स्ट लेयर, फर्स्ट कंडीशन ये देखो, यहाँ पे आपका जो वाइट सेंटर है वो आपको टॉप में रखना है, और जो येलो सेंटर है वो आपको डाउन में रखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम सबसे पहले जो भी पीसीज हो, लाइक अभी ये जो पीसीज है वो नीचे है, मतलब ये जो वाइट है वो नीचे की तरफ फेस कर रहा है, तो हम सिंपली इसको 2 बार घुमाएंगे तो ये मैच हो गया। अभी ये यहाँ पे देखो, ये मैच तो होना है, बोलिए ये फ्लिप है। तो इसका एक एल्गोरिदम है, मैं आपको धीरे से समझाऊंगा। वाइट को आप टॉप पे रखना है, और अभी ये एल्गोरिदम फॉलो करना है। बस ये एल्गोरिथम से हमारा फ्लिप्ड जो है जो अनफ्लिप्ड हो जाएगा। अभी एक क्या कंडीशन आ जाती है कि यहाँ पे हमारा टॉप पे वाइट है और यहाँ पे जो पीस है वो मिडल में है, तो सबसे पहले इसको नीचे लाएंगे, ये नीचे आ गया। उसके बाद हम F2 करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा कभी कभी ये कंडीशन हो जाती है, रुको आपको दिखाता हूँ। हाँ अभी यहाँ पे देखो, जब हम नीचे लाते हैं तो हम उसके बाद F2 करते हैं तो यहाँ पे वाइट नहीं आता, वो फ्लिप हो जाता है। तो ऐसे फ्लिप रहने देने का, और मैंने आपको फ्लिप का एल्गोरिदम सिखाया था वो करने का। बस ऐसे ही आपको एक क्रॉस बनाना है। ये मैच नहीं है, अभी नहीं है ये मैच, बाद में हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो। अभी ये मैच नहीं है तो हो जाएगा। ओके सो अभी सिर्फ आपको वाइट क्रॉस पे ध्यान देना है, ये मैचेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उस पे ध्यान ही नहीं देना है। सो हम अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाइट है और इस यहाँ पे लाना है, तो हम सिंपली उसके रो में लाएंगे सबसे पहले। देखो तो ये हो गया, अभी हमारा ये रेड फुल क्रॉस बन गया है। सो आपको मैं कंडीशन दिखाता हूँ कि हमको अभी ये क्रॉस से हम जॉइंट क्रॉस कैसे बनाएंगे। ओ ये रहा। अभी देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्रॉस है ये क्रॉस है। अभी देखो ये मैच है, ये मैच नहीं है, लेकिन ये चारों तरफ से मैच है, ये चारों तरफ से मैच है और ये मैच नहीं है, तो हमको ये मैच करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे क्रॉस के एज पीसीस है ना, उसको हम यहाँ पे लाएंगे। देखो सिंपल है,
रुको मैं आपको दिखाता हूँ वापस, ये बहुत फास्ट हो गया था तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे रहेगा। ओके हमने वो ये लाई है, अभी हम वापस करेंगे। सबसे पहले आप क्रॉस को आपके सामने रखना है जैसे मैं रख रहा हूँ, उसके बाद आपको करना है L2 R2 U2 D2। तब ये यहाँ पे एक क्रॉस नहीं है, बट नीचे पूरा क्रॉस बन गया। अभी देखो जो भी मैच कर रहा है, अभी हम कौन सा मैच कर रहे हैं, ये ओके ये ओके ये ओके हाँ सही जवाब, ये मैच कर रहा है। तो जो मैच कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे डाल दो। अभी हम ये इसको मैच करेंगे, तो हम इसको घुमाएंगे। अभी ये मैच हो रहा है, सही जवाब, ये मैच हो रहा है। तो अभी हम इसको डायरेक्टली डाउन लाएंगे। तो ऐसे ही हम मैच करना है, तो ये भी ऑलरेडी मैच कर रहा है, तो इसको हम नीचे लाएंगे। ये मैच नहीं कर रहा है तो हम इसको मैच करेंगे और फिर आपको नीचे लाएंगे। तो ये है हमारा क्रॉस का हो गया। तो मैं बस इस वीडियो में इतना ही सिखाऊंगा। ये है द 3x3 ट्यूटोरियल Part 1, और इसकी Part 2 भी जल्दी आ जाएगा, Part 3 Part 4 Part 5, उनको भी आप देख लेना। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा और आपको ये यूज़फुल लगा, आप क्रॉस बनाना सीख गए, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये इसका Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 सब आने वाला है। तो प्लीज़ डू इट। तब तक के लिए बाय बाय।